दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स को अगर आप नजदीक से देखोगे ना, बारीकी से देखोगे, तो वो किसी भी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी के नोटों के साथ साथ श्री गणेश और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने। अब लोगों का सवाल ये है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो राम मंदिर बनने पर खुश नहीं था, तो एकदम से भगवान के प्रति इसकी आस्था कहाँ से उत्पन्न हो गई? आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इंडियन एनवायरनमेंट को देखते हुए, हमारे देश के एनवायरनमेंट को देखते हुए, ये कितना सही होगा कि इंडियन करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को लगाया जाए। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की इंडियन इकोनॉमी की। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी के हालात सही नहीं हैं। अब कुछ वायात, गवार और अनपढ़ लोग ये कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उन ज्ञान बाबाओं से मेरा एक सवाल है कि इस इकोनॉमी का सत्यानाश करने वाला कौन है? वो डिसीजन किसने लिए हैं जिसकी वजह से इस इंडियन इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है? वो काम किसने किए हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी एक टाइम पर बांग्लादेश की इकोनॉमी से भी बेकार परफॉर्म कर रही थी? अगर आपके दिमाग में ये बात है कि इंडियन इकोनॉमी का सत्यानाश सिर्फ कोरोना वायरस से हुआ है, तो प्लीज आप लोगों को इलाज की जरूरत है। आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और एक भक्ति वाला कीड़ा वो आपके अंदर होगा, उसकी कुछ वैक्सीन वगैरह आप लगवा लीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का सत्यानाश करने वाले डिसीजन भी बीजेपी सरकार ने लिए हैं। बीजेपी ना हो गई, ये तो वेलकम की उदय शेट्टी हो गई, और उसके साथ एक करेक्टर रहता ना लंगड़ा कि उदय भाई बड़े ही दयालु हैं, मेरी एक टांग नकली थी, मेरी टांग तोड़ दी फिर ठीक करवा दी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उस मूवी में है। बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के चार टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फॉरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस 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 हो गया, अब बता। तो बात यह है, इस इंडियन इकोनॉमी को खराब करने वाली भी बीजेपी है, और अब जब ये खुद रिवाइव हो रही है, कुछ डिसीजन अच्छे ले लिए हैं, तो उसका क्रेडिट खाने वाली भी बीजेपी ही है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन आज हम बात कर रहे थे हमारे आदरणीय श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है, जो कि सही बात है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें ढेर सारे काम करने होंगे, उनमें से एक काम ये भी है कि इंडियन करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा दी जाए, जिसकी वजह से वो हमें आशीर्वाद देंगे और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रुपी की जो वैल्यू है और जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी उनके आशीर्वाद से। एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। भगवान का आशीर्वाद अच्छी बात है, लेकिन बात यह है भगवान का आशीर्वाद मांग कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। अब दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि इंडोनेशिया करेंसी पर भी श्री गणेश जी की तस्वीर है और उनकी कई सारी नोट्स की ऐसी सीरीज हैं जिनके पीछे शिव मंदिर भी दिखाई दिया है। सबसे जो हैरतअंगेज बात है वो ये है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। अब अगर दोस्तों इंडिया में ऐसा होता है तो मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली खुश होऊंगा, एज ए हिंदू, हिंदू होने के नाते मुझे खुशी होगी, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जिन्हें इससे बड़ी तकलीफ होगी। अब दोस्तों आप इस एनवायरमेंट में सोचिए, जब हिंदू नववर्ष पर झांकी निकल रहे, हिंदुओं पर वो लोग अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, करौली कम्युनल वायलेंस आपको याद होगा, दिल्ली में हनुमान जयंती पर क्या हुआ वो आपको याद होगा, जब वो झांकियों पर ही हमला कर रहे हैं, तो इंडियन करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं को वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, आप मुझे बताइएगा। अब केजरीवाल का जो हिंदू देवी देवताओं को लेकर, आस्था को लेकर जो यू टर्न है,
कुछ लोग ये मानते हैं कि उसके पीछे प्योर रीजन है पॉलिटिक्स, राजनीति। नॉन पॉलिटिकल लोग जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, उनका ये मानना है कि जो रिलीजियस कार्ड बीजेपी प्ले करके राजनीति करती आ रही है, अब वही रास्ता अरविंद केजरीवाल भी अपनाना चाह रहे हैं। अब मैं अरविंद केजरीवाल की कुछ क्लिप्स हैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर कही है, और उनकी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने राम मंदिर और मस्जिद को लेकर क्या कहा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी। तो केजरीवाल जी की ये विचारधारा थी आस्था को लेकर, मंदिर को लेकर। तो अब लोगों को ये यू टर्न उनका समझ नहीं आ रहा है। अब एकदम से अरविंद केजरीवाल को कहां से हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए और क्यों चाहिए, ये अभी हमें समझ नहीं आया है। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।